चढ़ गया ऊपर रे अतरिया पे लोटे का पूरा रे तुर भुतुर तुर भुतुर तुर भुतुर तुर भुतुर चढ़ गया ऊपर रे अतरिया पे लोटे का पूरा रे ये साथ में जो है तीनों भिखारी, ये कौन है बार? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ से कानों से हाँ बार, ये अपना पिताश्री है बार। हाँ बार, क्या ये अपना पिताश्री है? क्या ये पिताजी है? हाँ। क्या ये मेरे पिताजी हैं? हाँ दीदी। हे भगवान, मैं उस महल से निकल गई, तो आज देखिए मेरे पिताजी को क्या हालत हो गया। ओ आंखें अंधे हो गए, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो चलने की राह नहीं है। हरे कृष्ण साहब, मुझे पहचानते हैं आप कौन है? मैं ये बचपन से साथ इस महल में रहे और तुझे नहीं पहचानेंगे चंपा। क्या तू मुझे नहीं पहचान रहा है? मैं पहचानती हूँ, मैं मंत्री दिलेल सिंह हूँ। अब मंत्री दिलेल सिंह है चंपा, लाख समझाना के तुम्हारे पिताजी ने मेरा ये भी नहीं माने, आज देख तुम्हारा कहना तुम्हारे पिताजी को हाथों हाथ मिल गया। ठोकरे खा रहा है, जरा मेरे पिताजी से मिलाइए ना मंत्री भैया। मंत्री बेटा इतना देर से अभी तुम किससे बात कर रहे थे? वो किससे बात कर रहे हैं? हाँ। आपको आवाज भी क्लियर नहीं लग रहा है, कुछ मालूम नहीं दे रहा है। अभी हम चंपा से बात कर रहे थे। चंपा से? जी चंपा से। क्या मैं इस समय तुम चंपा से बात कर रहे थे? जी महाराज। क्या वही चंपा है जो मैं अपनी बेटी का नाम चंपा रखे थे? जी वही चंपा है। जी महाराज वही चंपा है। किधर है मंत्री? चंपा इधर है। मैं चंपा से मिलने के लिए चाहता हूँ। चंपा इधर है। बेटी चंपा। चंपा चंपा जनरा कहता है और मुझे बगल लेते हैं। चंपा बाबू हम नहीं है, चंपा मेरे बगल में है। क्या चंपा? क्या है चंपा? यही तुम्हारे पिताजी भाग भगाता है। मैं चंपा से मिलने के लिए चाहता हूँ। ये मेरे पिताजी है। किधर है? किधर है चंपा? चंपा तुम किधर हो बेटी? एक बार तुम्हें Oh,
रहो बेटी रतिया हो पीत काश अगर मुझे दोनों नेत्र होते मैं तुम्हें जी भर कर देखता बेटे सब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा चंपा हे पिताजी अगर यदि आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चंपा मैं इसी समय जिस दिन से तुम मुझे श्राप देकर के इस घर से चली गई बेटी उस दिन से मेरा सारा संपत्ति ध्वस्त हो गया मेरा दोनों नेत्र चला गया बेटी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा चंपा चंपा मुझे माफ कर दो बेटी मैं अपने आप को भाग विधाता ईश्वर समझते थे लेकिन नहीं बेटी भाग विधाता ईश्वर एक ही ऊपर वाला होती है तुम्हारे सत्य का विजय हुआ बेटी मुझे माफ कर दो चंपा क्या पिताजी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा ठीक है पिताजी आगे तो दिया आगे क्या दिखाई देता है इस समय मैं तुम्हें नहीं देख सकता हूँ बेटी तुम्हारी श्राप से मेरा दोनों नेत्र चला गया
तुम्हारे श्राप से मेरा सारा संपत्ति चला गया बेटे। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दो बेटे। नहीं, मैं तुम्हारी भूल क्या करती मत रहिए पिताजी। हे भगवान, मैं अभी इसी वक्त भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपकी दोनों नेत्र आ जाए भगवान। ओ लगता है सब कुछ दिखाई दे रहा है। ओ बिल्कुल सब कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सब कुछ दिखाई देने लगा। वैसे हम मानेंगे, तब पहले आपको पहचान करवाएंगे। पहचान क्या चीज का? अगर आप पहचान के हम मान लेंगे आपको दिखाई देने लगा। चलो पहचान करता है। ये है, ये एक है। हाँ, ये कितना हुआ? दो। हाँ, ये कितना हुआ? तीन। तीन। हाँ, ये कितना हुआ? चार। और ये कितना हुआ? पाँच। और ये कितना हुआ? ये फाइट हुआ, ये फाइट हो गया। हाँ, जल्दबाजी में मेरा पैसा दीजिए, नहीं तो हम फाइट चला देंगे। मंत्री बेटा, सब प्रॉपर्टी मिलल जाए छो, पैसा गिलल जाए छो। इधर सुनो, अभी अभी मुझे दोनों नेत्र से दिखाई देने लगा। मंत्री बेटा, इसमें मुझे चंपा के कारण दोनों नेत्र वापस आ गया। वापस आ गया। सबसे पहले मैं बेटी चंपा से मिलने के लिए चाहता हूँ। क्यों नहीं बहन चंपा, ऐसे में तुम्हारे पिता भी कुछ बात करना चाहता है। चंपा पिताजी, बेटी चंपा पिताजी, हम बेटी